मन का रहस्य। फ्राइड ने अपनी जीवन कथा में एक छोटा सा उल्लेख किया है। लिखा है उसने कि एक संध्या वियना के एक बगीचे में वो अपनी पत्नी और छोटे से बच्चे के साथ घूमने गया। देर तक फ्राइड अपनी पत्नी से बातचीत करता रहा, टहलता रहा। फिर सांझ हो गई, बगीचे के द्वार बंद होने को आए। तो वे दोनों बगीचे के द्वार पर आए, तभी अचानक उसकी पत्नी को ख्याल आया, उनका बेटा तो न मालूम कितनी देर से उन्हें छोड़ के चला गया है। इतने बड़े बगीचे में वो पता नहीं कहाँ होगा, द्वार बंद होने के करीब हैं, उसे कहाँ खोजें। फ्राइड की पत्नी चिंतित हो गई और घबरा गई। फ्राइड ने कहा, घबराओ मत, मैं आप तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। तुमने उसे कहीं जाने को रोका था? अगर रोका था तो 100 में से 99 मौके तुम्हारे बेटे के उसी जगह पर होने के हैं जहाँ तुमने उसे जाने से रोका था। उसकी पत्नी ने कहा, मैंने मना किया था कि फव्वारे पर मत पहुंच जाना। फ्राइड ने कहा, अगर तुम्हारे बेटे में थोड़ी सी भी बुद्धि है तो वो फव्वारे पर ही होगा। पत्नी बड़ी हैरान हुई, वो दोनों भागे गए तो बेटा फव्वारे पर पैर लटकाए हुए पानी से खिलवाड़ करता था। फ्राइड की पत्नी उससे कहने लगी, बड़ा आश्चर्य, तुम्हें कैसे पता लगा कि बेटा वहाँ होगा? फ्राइड ने कहा, आश्चर्य इसमें कुछ भी नहीं, जहाँ रोका जाए जाने से मन को, मन वहाँ जाने के लिए आकर्षित हो जाता है। जहाँ कहा जाए मत जाओ, वहाँ एक छुपा हुआ रहस्य, एक छुपा हुआ रस शुरू हो जाता है। फ्राइड ने कहा, ये तो आश्चर्य नहीं कि मैंने तुम्हारे बेटे का पता लगा लिया, आश्चर्य ये है कि मनुष्य जाति इस छोटे से सूत्र का अभी तक पता नहीं लगा पाई।